तो दोस्तों इस वीडियो में मैं रिव्यू करने लगा हूं ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% आइसोलेट वे प्रोटीन का। और ये जो वीडियो है, ये जो रिव्यू है, ये लैब टेस्टेड होगा। लैब टेस्टेड इसलिए होगा कि कंपनी जो मेंशन करती है, क्लेम करती है कि एक स्कूप के पीछे इतना ग्राम प्रोटीन है, वो बाकी उतना है भी नहीं। इस वीडियो में हम इसके प्राइस के ऊपर भी बात करेंगे, महंगा सस्ता इसके ऊपर भी बात करेंगे, टेस्ट के ऊपर बात करेंगे, मिक्सिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि मेरे को पता है कि स्टूडेंट्स खास करके जितने भी लोग मसल बिल्ड कर रहे हैं, वो वे प्रोटीन जरूर बाय करते हैं, क्योंकि उनको अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है ना। और मैं भी इसलिए बाय करता हूँ। सो हम शुरू करते हैं गाइस। ये जो है प्रोटीन, ये वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज एंड आइसोलेट, ये दोनों का मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब ब्लेंड है, ब्लेंड जैसे कि दाल चावल की खिचड़ी होती है, ऐसे ये भी खिचड़ी है दोनों चीजों की। और इसके अंदर हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन आइसोलेट है 47% और वे प्रोटीन आइसोलेट है 46%, ठीक है। और आपको एक चीज समझा दूंगा, देखो जब दूध से आप पनीर बनाते हो, ऊपर एक पानी आ जाता है ना, उसको कहते हैं वे वाटर, उसी से कंसेंट्रेट तैयार होता है, फर्दर प्रोसेस हो जाता है, वो आइसोलेट तैयार होता है जिसमें से लैक्टोज रिमूव हो जाता है, और उसके आगे भी जब प्रोसेस होता है तो हाइड्रोलाइज तैयार होता है, जो और थोड़ा सा ना अच्छा प्रोसेस, फाइन प्रोसेस किया होता है। तो आप क्या कंसेंट्रेट ले सकते हो नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं, तो उसमें आपके पैसे भी बचते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पर स्कूप की। पर स्कूप के पीछे एक इसका जो स्कूप है वो 31 ग्राम का है, एंड ये क्लेम करते हैं उसके पीछे 25 ग्राम प्रोटीन। ध्यान सुना, 25 ग्राम प्रोटीन, मतलब कि 80.6% के पास ही क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी लैब टेस्ट में क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बॉक्स के अंदर टोटल सर्विंग्स पता कितनी है, 44 टोटल सर्विंग्स है 44। और इसकी जो प्राइस है ना, इसकी जो MRP है वो है नियर अबाउट 7600, मतलब 7600 में 44 सर्विंग आपको मिलती है। तो ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप के पास पैसे है और आप स्पेंड करना चाहते हो, मनी वाइज अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो, तो आप इस पर स्पेंड मत करोगे, बहुत महंगा मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसके मिक्सिबिलिटी के ऊपर, इसकी मिक्सिबिलिटी कैसे है, तो ये भी हम देख लेते हैं। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि इसकी मिक्सिबिलिटी कैसे है और हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो गाइस, अगर आपकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन से पूरी नहीं हो रही है, स्पेशली वेजिटेरियंस की, तो आप ले सकते हो। आप ये भी ले सकते हो, अच्छा प्रोटीन है, ऐसी बात नहीं कि अच्छा नहीं है, अच्छा प्रोटीन आप ले सकते हो। लेकिन अगर बजट वाइज प्रॉब्लम है तो कंसंट्रेट भी ले सकते हो, आइसोलेट में और सस्ते प्रोटीन भी आते हैं। तो मिक्सिबिलिटी की बात करें तो मिक्सिबिलिटी इसकी, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, मिक्सिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। अगर लैब टेस्ट की बात करें तो मेरी जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में आया है 79.23% और ये क्लेम करते हैं 80.6 के पास, मतलब एक पॉइंट कुछ का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब कि अगर 31 में से 25 ग्राम एक कह रहे हैं तो 24.5 कुछ मिल रहा है हमें। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट मैंने फ्लेवर लिया है गाइस, आप ना अपने अकॉर्डिंग लेना, ये ना देखना कि मैंने कौन सा लिया है और आप भी कोई फ्लेवर ले लोगे। मेरा फ्लेवर है चॉकलेट ब्लिस फ्लेवर, और इसके यहां पर ना इन्होंने एक लेबल भी दे रखा है, अगर आपको चेक करना हो कि ऑथेंटिक है या नहीं है तो इसको आप स्क्रैच करना और एक नंबर पे मैसेज करना। देखो, आप वो बातें खत्म हो गई है कि प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट आ रहे हैं नहीं, कैसे पता करें, तो ये सब बातें ना खत्म हो चुकी हुई है। तो आप इस पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैंने ये बाय किया था 6200 के पास, और कोई भी ऑनलाइन साइट से आप देखोगे तो 6500-6600 के पास आपको मिल जाएगा। एक्सपेंसिव है, 44 सर्विंग्स है। टेस्ट की बात करें तो मुझे पर्सनली टेस्ट अच्छा लगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मंगाना। अगर बजट ज्यादा है तो आप मंगा सकते हो, बजट कम है तो आप और प्रोटीन्स पे ट्राई कर सकते हो। पास है फेल है प्रोटीन पास है। तो आई होप आपको वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो, जेन्युइन रिव्यू था यार। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, बस इतना कर देना। बाय गाइस।